यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ 25 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 36 सेक स्क्वायर थीटा, या एक्स एक्स दिया तो एक्स लिख लीजिए, वो आदत थीटा वाली है। अब देखिए इसका एक कंसेप्ट समझिएगा, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि सेक थीटा की रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, इसका मतलब इसकी लिस्ट ही निकाली जा सकती है। और इसकी लिस्ट वैल्यू के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास, अगर इस फॉर्म में कोफिशियंट दिए ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो लिस्ट वैल्यू होती है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। कैसे वो भी बताता हूँ। तो रूट 25 का स्क्वायर हो गया 5 प्लस रूट 36 का 6, 6 प्लस 5 11, 11 का स्क्वायर 121, यानी जो क्वेश्चन है उसकी लिस्ट वैल्यू होगी 121। बट करेंगे कैसे, इसमें ऑप्शन भी दिए हैं, जैसे 1 दिया है, 11 दिया है, 120 दिया है, और कुछ कंसेप्ट लॉजिक से भी लगाना चाहिए आपको, 11, 120, 121, कोई भी स्क्वायर नंबर है तो नेगेटिव तो होगा ही नहीं। तो कुछ आंसर जैसे ए और बी तो कभी हो ही नहीं सकते थे, ये तो रिजेक्ट वैसे ही हो गए, सी और डी में आपको देखना था। अच्छा, आप इसको मेथड से अगर करें तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी आप 25 प्लस 36 प्लस 25 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 36 टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको 5 का होल स्क्वायर, इसको 6 का, 5 6 जब 30, आप इसमें माइनस 60 प्लस 60 कर दीजिए। अब इसको ऐड करिए, इन दोनों को अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐड करो तो ये हो गया 61 प्लस 60 121 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं 5 cot थीटा माइनस 6 tan थीटा का होल स्क्वायर। समझिए अब ये मिनिमम 0 होगा तो उस समय ये मिनिमम मिलेगा क्योंकि उसके अलावा ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, राइट। तो एक तरह से स्क्वायर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0, तो 121 इज अ राइट आंसर। पर ये टेक्निक्स अगर याद होंगे तो आपका बहुत टाइम सेव होगा, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, फॉर आर ग्रेटर देन 0 एफ एक्स इज द रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। एफ आर क्या दिया है, सुनिए, एफ आर इज द रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर, मतलब लॉजिकली अगर देखें तो 2/r एफ आर है। देन आपसे पूछा है एफ वन प्लस एफ टू क्या होगा, सिंपल हो गया, एफ वन निकालेंगे तो 2, एफ टू निकालेंगे तो 1, तो आंसर इज 3, 3 इज अ राइट आंसर, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, समझिएगा, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू cos y माइनस एक्स प्लस 1, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मेथड से भी, जरा ऑप्शन में बता दूं, e पावर x sec y माइनस एक्स माइनस 10 y माइनस एक्स इक्वल टू c, बी ऑप्शन है e पावर x sec y माइनस एक्स प्लस 10 y माइनस एक्स इक्वल टू c, e पावर x sec y माइनस एक्स इंटू 10 y माइनस एक्स इक्वल टू c, इस तरह के ऑप्शन है e पावर x इक्वल टू c इंटू sec y माइनस एक्स इंटू 10 y माइनस एक्स, राइट। अब अगर इस क्वेश्चन को हम समझें तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, ऑप्शन से कर सकते हो पर मेथड से भी देनी लगेगी, y माइनस एक्स को t मान लो, देन dy/dx माइनस 1 इक्वल टू dt/dx, इसका मतलब dt/dx प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस cos t, 1 से 1 भी कैंसिल, तो dt अपॉन cos t, मतलब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं sec t dt इक्वल टू 1 dx, राइट। इंटीग्रेशन किया तो आप दो चीजें लिख सकते हैं, एक तो log sec t प्लस 10 t इक्वल टू x प्लस c, और एक माइनस log sec t माइनस 10 t इक्वल टू x प्लस c, डिपेंड ऑन कि ऑप्शन किस ढंग से दिया हुआ है, क्योंकि e पावर x यहां पे लिया, इसका मतलब ये यूज करना पड़ेगा। अब आप इसको अगर ऐसे देखें तो log ऑफ sec y माइनस x प्लस, सॉरी माइनस log ऑफ, सॉरी log नहीं, 10 y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी, एंटी log लिया तो sec y माइनस एक्स माइनस 10 y माइनस एक्स इक्वल टू e पावर माइनस एक्स e पावर माइनस सी, इसको ऐसा भी ला सकते हैं तो e पावर x sec y माइनस एक्स माइनस 10 y माइनस एक्स इक्वल टू कैपिटल सी,
ये इसका आंसर हुआ। अब इसमें एक समझने वाली बात थी कि अगर आप ये लेते तो आप उलझ सकते थे, क्योंकि इस फॉर्म में e पावर x लाने में आपको कंफ्यूजन होता और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। और देखिए जैसे जैसे हम क्वेश्चन में पढ़ते जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन लेंथी आ रहे हैं। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं तो पर्टिकुलर अगर हम देखें हाइट एंड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन काफी लेंथी था। लीव दिस क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे हार्डली हैं जिन पे आपको टाइम लग सकता था। आप उन 10 को नहीं 20 को 30 को छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए क्या है, क्वेश्चन है द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 42 टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x इज इक्वल टू। इस तरह के क्वेश्चन हमने काफी किए हैं। एक सिंगल सिंपल लॉजिक होता है कि आप चाहें तो ऐसा समझें, पहले तो ये समझें कि 42 जो है, 2 यहां रख दो, 4 रख दो यहां, तो 32, तो पॉइंट बाहर कहीं होगा, यहां कहीं है मान लीजिए, यहां अंदर है कहीं, 42, इससे इस पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। सबसे अच्छे कोऑर्डिनेट होते हैं पैरामीटर 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो अगर मैं ए देखूं तो ए 2 है, यानी 2t स्क्वायर कॉमा 40, ये हो गया। या ऐसा भी किया जाता है कि एक को x ले लो तो दूसरा आपको अपने आप ही मिल जाएगा y के टर्म में, यानी दोनों को x के टर्म में लिख दो। अब अगर मैं इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फंक्शन है, यानी लॉजिकली 2t स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 40 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर लॉजिकली देखें तो आप को ये ऑब्जेक्ट फंक्शन है, इससे 2 बाहर निकाल दो, 4 इससे भी बाहर आ गया, 4 इससे भी आ गया, एक तरह से ये बोला टी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट ये मिल गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, मैक्सिमम मिनिमम बताना है, तो t4 माइनस ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 40 स्क्वायर माइनस 40 प्लस 1, ये भी कैंसिल, तो आपको एक तरह से ऑब्जेक्ट फंक्शन मिल गया 4 टाइम्स ऑफ t पावर 4 माइनस 40 प्लस 5 t पावर 4। अब ये मैक्स मिनिमा होना चाहिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, t4 माइनस 40 प्लस 5 यानी एफ डेस्ट df बाई dt निकाला, तो 4t क्यूब माइनस 4, 4 कॉमन लिया तो t क्यूब माइनस 1, तो t इक्वल टू 1, t1 आ गया, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 2, 4। अब 2, 4 से डिस्टेंस निकालना, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, यानी 2√2 इज अ राइट आंसर। मिनिमम डिस्टेंस वाला इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2√2, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ सर्कल टचिंग वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। टचिंग वाई एक्सिस एट द ओरिजिन का एक ही कंसेप्ट हो सकता है, लाइक दिस, ये इसका सेंटर मान लो a0, तो रेडियस भी a हो गया, तो इक्वेशन हो गई x माइनस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, या ऐसा भी बोल सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0, खत्म। अब बस आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो 2x प्लस 2y dy बाय dx माइनस 2a इक्वल टू 0। तो 2a कितना आ गया, मतलब x प्लस y dy बाय dx इक्वल टू a, राइट। ये जो वैल्यू है बस ये आपको उठा के यहां रख देनी है, तो आपका आंसर आ गया, क्योंकि ये 1 है ये 2 है। रखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। फाइनली एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो आंसर हुआ वाई स्क्वायर। चाहो तो ट्रांसफर भी कर सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। दिस इज द राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है, ए बी सी आर 3 इवेंट, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 ऑफ दिस इवेंट ऑकर टुगेदर। एटलीस्ट 2 ऑफ दिस इवेंट मतलब, देखिए इसमें सेट का ही क्वेश्चन है, सेट के और भी क्वेश्चन है जो अभी डिस्कस आपको समझना है कि उसमें वैल्यू लेके कर सकते हैं, बस टाइम कंज्यूमिंग है। ए बी सी आर 3 इवेंट, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 ऑफ दिस इवेंट। 2 इवेंट मतलब ये देखिए, ये ए है, ये बी है, ये मान लो सी है, तो ये वाला सेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी, ए बी इंटरसेक्शन सी, एंड दिस इज सी इंटरसेक्शन ए, राइट। एटलीस्ट 2 ऑफ इवेंट का मतलब हुआ, आप लॉजिकली चलिए, ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन, एन लिखना था या चाहो तो 2 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन सी। अब आप पूछेंगे टू टाइम्स क्यों किया, क्योंकि जब आपने ए इंटरसेक्शन बी लिया होगा तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया, फिर आपने लिया तो बी इंटरसेक्शन सी आ गया, फिर आपने लिया तो सी इंटरसेक्शन बी आ गया, यानी ये तीन बार आया तो, पर एक बार तो लेना था तो तीन बार आया, इसलिए आपने पढ़ा एन ए यूनियन बी यूनियन सी का एटलीस्ट टू वाले का, तो इसको हमने क्या करा यहां पर टू टाइम माइनस कर दिया तो एक बार बचा रह जाएगा, क्योंकि ये तीन बार आया हुआ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप वैल्यू लेके भी कर सकते हो, पर मैं बोलूंगा इन क्वेश्चंस को अगर बाद में करते तो ज्यादा अच्छा होता आपके लिए, राइट, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, टू सिमेट्रिकल डाइज फ्लिप विद ईच अदर, टू सिमेट्रिकल डाइज हैं, ओके, और उसमें कुछ कलर्स को अलग किया हुआ, ऐसी टू डाइज हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं, ये टू डाइज हैं, क्या बोला है क्वेश्चन में सुनिए, ईच हैविंग टू साइड पेंट रेड, टू साइड पर रेड है, ओके, दोनों डाइज के टू डाइज पेंडेड ब्लैक, टू पर ब्लैक है, एंड वन येलो एंड वन अदर व्हाइट, ओके, व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट बोथ लैंड ऑन द सेम कलर, यानी जब आप थ्रो करें तो दोनों पे सेम कलर हो, डायरेक्टली समझिए टोटल केस तो दोनों के 6-6 होंगे, अब इस पर रेड आए तो इस पर भी रेड आए, तो इसके रेड आने के टू चांस, इसके भी टू, तो टू टू जब फोर, टू टू जब फोर, वन इंटू वन वन, वन इंटू वन वन, एट प्लस टेन, टेन बाय 36, देन 5 बाय 18, समझिए छोटी छोटी स्टेप्स मैंने आपको पढ़ाते समय सिखाई है, बचाना है, इस पे रेड आए 2 बाय 6, इस पे भी रेड आए 2 बाय 6, इस पे ब्लैक आए 2 बाय 6, इस पे भी ब्लैक आए 2 बाय 6, इस पे येलो आए 1 बाय 6, इस पे येलो आए 1 बाय 6, इस पे व्हाइट आए 1 बाय 6, पर इतने में भी हमारा जो टाइम एक्स्ट्रा जा रहा है वो भी सेव करते हुए चलना है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, टू कार्ड आर ड्रॉन रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम हैव द सेम वैल्यू, टू कार्ड निकालना सेम वैल्यू, प्रोबेबिलिटी में प्लेइंग कार्ड के कंसेप्ट में बताया हुआ था, सेम वैल्यू मतलब या तो इक्के ही आए या किंग आए, किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ स्पेड, या क्वीन आए, राइट, या जैक आए, या सभी पे 10 आए, ऐसा, तो ऐसे 13 पेयर्स होंगे, राइट, 13 4 52, इनमें से कोई पहले एक पेयर लें और इस पेयर के टू कार्ड ले लें, यानी 4C2 आउट ऑफ 52C2, सेम नंबर का मतलब है या तो दोनों इक्के हो, दोनों किंग हो, दोनों क्वीन हो, दोनों जैक हो, दोनों 10 हो, दोनों 6 हो, लाइक दिस, तो 13 4C2 6 होता है, 52 into 51 upon 2 into 1, तो 2 into 1 ऊपर भी लिख सकते हैं, यस और नो, राइट, 13 2 जा 26, ये टू टाइम कैंसिल, ये हो गया 3 3 by 51, मतलब 1 by 17 इज आ राइट आंसर, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10, 5 इज सब्ट्रैक्टेड ईच ऑब्जर्वेशन एंड देन डिवाइडेड बाय 4, देन व्हाट विल बी द न्यू मीन एंड द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, देखिए सभी ऑब्जर्वेशन में आपने पहले 5 माइनस किया तो मीन हो गया 45, सभी में 4 का डिवाइड किया तो डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो ये 10 कैंसिल, कितने टाइम, 11.25, तो 11.25 दो ऑप्शन में है, एक बात खत्म हो गई। फिर आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में एक्चुअल में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, राइट, अब मीन इतना कम हुआ है तो स्टैंडर्ड डेविएशन, अब देखिए लॉजिक से भी थोड़ा आंसर देने की आदत होना चाहिए, 11.25 11.25 1.25, यही दो आंसर में कोई चांस था, अब मीन में भी यही कंसेप्ट लगेगा, पर पहले फाइव कम होगा, तो पहले फाइव कम होगा तो कितना हो जाएगा 5, और फिर 5 में 4 हो जाएगा तो 1.25, देन दिस इज द राइट आंसर, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन।